हेलो। और आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर वाली मसाला भिंडी। ये है ना, पराठा रोटी या दाल चावल के साथ आप खाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके यहाँ कोई टिफ़िन लेके जाता है ना, तो अगर आप ये टिफ़िन में भी देंगे ना, तो सूखी सूखी सब्जी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा मसाले वाली, हल्की सी रस्से वाली होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में ले लिया था सरसों का तेल, और उसमें मैंने डाल दी थी भिंडी। भिंडी है ना, 1 इंच के बराबर आप काटिए, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी नहीं काटनी है। और ये देखिए, मैंने उसको हल्का सा तल लिया था, तलना यानी हल्का सा फ्राई जैसा कर लिया था, ताकि ये ना अच्छी तरीके से उसमें पक जाए, और जो उसका रेशा जो होता है ना भिंडी का, तो वो। और अगर आपको ये सब्ज़ी बनानी है ना, या नॉर्मली भिंडी की अगर आप सब्ज़ी बनाए ना, तो भिंडी को 1-2 घंटे पहले आप धो के रख लें और छन्नी में अच्छी तरीके से, फिर उसको पोंछ के फिर यूज़ करें। और ये देखिए, एक बाजू भिंडी मेरी हो रही थी, और एक बाजू मैंने देखिए लहसुन और प्याज को हल्का सा क्रश कर लिया था, उसमें डाले था हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल के, और काली मिर्च भी डाली थी, काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, और उसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के उसकी ग्रेवी जैसी बना ली थी। और यहाँ देखिए, मेरी भिंडी भी तैयार हो गई है, और इसको मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया था जो कढ़ाई में से। और देखिए, बहुत ज़्यादा इसको मैंने तला नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, ये अच्छी एकदम मीडियम तरीके से हुई है। और जो कढ़ाई में तेल बच गया था ना, उसी में मैंने और तेल डाल दिया था। बहुत तेल ना डालें, क्योंकि भिंडी में तो हमने ऑलरेडी तेल डाल के ही फ्राई किया है। और ये फिर मैंने उसमें डाल दिया था जीरा और हींग डाल दी थी, और डाल दिया था मैंने तेज पत्ता, और उसको अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया था। फिर जो मैंने मसाला बनाया था ना, लहसुन प्याज और हल्दी नमक का सबका, तो वो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने तेल में जो गरम किया था तेल, उसको मैंने इसको डाल दिया था अच्छे तरीके से, और इसको भून लिया था। सिर्फ 5 मिनट के लिए भूनना होता है, क्योंकि ये पूरे खड़े मसाले ही हैं, पीसे हुए हैं सब, तो ये बहुत अच्छे तरीके से 5 ही मिनट में फ्राई हो जाते हैं। और जब फ्राई हो गए थे ना, तो मैंने 3 टमाटर लिए थे, और ये भिंडी 250 थी, 250 यानी 250 भिंडी थी, और उसमें मैंने 3 टमाटर क्रश करके डाल दिए थे। और ये टमाटर डाल के, एक्चुअली में भिंडी तो टमाटर की बनती नहीं है, पर ये रस्से वाली आप बनाएंगे ना, ग्रेवी वाली, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, खाने में भी बहुत ही टेस्ट आता है। तो मैंने इसको देखिए मिला लिया था, और 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक दिया था। तो ढकने से क्या हो गया था कि ये जो टमाटर डाला था और मसाला था ना, वो अच्छी तरीके से पक गया था, क्योंकि इसमें हम भिंडी जब डालेंगे ना, तो ज़्यादा उसको पकाना नहीं होता है, सिर्फ 5 मिनट में आप उतार दीजिए। और आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ा पानी कम लग रहा है, या थोड़ा रसा ग्रेवी कम है, तो आप अपने टेस्ट मुताबिक आप उसमें नमक ऊपर से ऐड कर सकते हैं, और पानी ऐड कर सकते हैं। पानी अगर आपने ऐड किया है, तो थोड़ी देर ढक दें, और फिर जब ढक देंगे ना, तो ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। फिर उसमें आप भिंडी डाल दीजिए, भिंडी डाल के 5 मिनट के लिए आप उसको और ढक दीजिए। फिर ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सी और अच्छी सी मसाले वाली भिंडी आपके तैयार हो जाएगी। इसे घर पर बनाइए, इंजॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके सब वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।